से भी दे सकेंगे अग्निवीर की ऑनलाइन लिखित परीक्षा। अग्निवीर भर्ती में ऑनलाइन परीक्षा के लिए युवा अपने केंद्रों का चयन खुद कर सकेंगे। देश के 176 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को फॉर्म भरने के दौरान टॉप 5 केंद्रों के चयन का विकल्प दिया जाएगा। इसमें युवाओं को चुने हुए केंद्रों पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये बातें रविवार को छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में निदेशक ऋषि दुबे ने कही। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ने बताया कि वाराणसी में 10 और गोरखपुर में 9 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा 15 दिन तक 3 पालियों में होगी। प्रवेश पत्र जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर परीक्षा के 14 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। छात्र फॉर्म भरने में किसी दिक्कत से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नंबर या वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय के नंबर पर ले सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ने बताया कि परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय सेना की वेबसाइट को डिजी लॉकर से लिंक किया गया है। जो भी अभ्यर्थी अग्निवीर के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका डिजी लॉकर होना जरूरी है। फॉर्म भरते समय उनके डिजी लॉकर से प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती में इस बार एनसीसी के अभ्यर्थियों को भी लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। इससे पहले उन्हें इसकी छूट थी। निदेशक ने बताया कि एनसीसी आईटीआई और खिलाड़ियों को परीक्षा में बोनस अंक के रूप में छूट मिलेगी। इसमें आईटीआई पास युवाओं को सबसे ज्यादा 50 अंक की छूट मिलेगी। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट और गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल अभ्यर्थियों को 25, बी सर्टिफिकेट वालों को 15 और ए सर्टिफिकेट वाले युवाओं को 10 अंक की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने वाले मेडलिस्ट खिलाड़ियों को 25, नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ियों को 20 और राज्य स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा में शामिल खिलाड़ियों को 10 अंक की छूट मिलेगी। निदेशक ऋषि दुबे ने बताया कि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका नहीं है। जेईई और नीट की प्रवेश परीक्षा करने वाली कंपनी अग्निवीर की परीक्षा करवाएगी। एक सीट के सापेक्ष 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। अग्निवीर भर्ती में अब 17.5 साल से 21 साल के युवा ही आवेदन कर सकते हैं। पिछली बार 2 साल की छूट दी गई थी।